नमस्कार मेरे भाइयों और मेरे उन भाइयों के बहनों, मेरा नाम है लेंजिंग। आप देख रहे हैं लेंजिंग वीकली। और आज का वीडियो ना ही सिंगिंग होने वाला है और ना ही ट्रैवल व्लॉगिंग होने वाला है। आज का वीडियो एक सिंपल सा व्लॉग होने वाला है, जिसमें मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाऊंगा जिसके बिना मैंने बचपन नहीं गुजारा था। और बहुत दिनों के बाद, मैं 4 महीने के बाद उसे मिलने के लिए जा रहा हूँ और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने इतना गैपिंग किया। तो चलिए उनसे मिलते हैं। पर उनसे मिलने से पहले मैं उनके लिए कुछ गिफ्ट खरीदना चाहूँगा। अभी तो अब मैं जा रहा हूँ मॉल में, चलिए देखते हैं। एक्चुअली मैं किसी और के लिए गिफ्ट ले रहा था, लेकिन मुझे ये पसंद आ गया है मॉम के लिए। बहुत ही गर्म लग रहा है और सुंदर भी लग रहा है। आई थिंक मैं इस वाले को अपने मॉम के लिए लूँगा और दूसरा गिफ्ट मेरे नानी माँ के लिए। और मैं अब अपने मेन गिफ्ट की तरफ चलता हूँ। उनको ये कैसा लगेगा? ओके, सो आई फाइनली डिसाइडेड टू गो फॉर दिस वन। और ये अच्छा लग रहा है मेरे को। क्यों? क्योंकि नानी माँ को असामिस जो कल्चर है वो बहुत पसंद है। और ये थोड़ा जो इसका प्रिंट है और जो कलर है वो थोड़ा असामिस ड्रेस से मिलता है, इसलिए मैं ये लूँगा अपने नानी के लिए। हाय, हाँ ठीक है। आई एम फाइनली डन विद माई शॉपिंग। अभी मैं जा रहा हूँ अपने कज़न के घर, कज़न भैया के घर। वो मुझसे 2 साल बड़े हैं, उनका नाम है नातम नोना। और मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरे साथ चले। तो आगे उनका घर है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से। ओके, यहाँ पे बीवेयर ऑफ डॉग लिखा हुआ है, बट मैं कुत्तों से डरता नहीं हूँ, कुत्ते मुझसे डरते हैं। अरे तो ही इज़ माई कज़न ब्रदर नातम, नातम नोना। कहाँ गए मम्मी? आए पहले। हाय अल्फा, अल्फा हाय, चलो। हाय हाय, कैसे आना हुआ? ले जाने के लिए आया। हम वो उससे नाना से मिलेगा, बालक बालक जाएगा बालक। तो ही इज़ माई कज़न ब्रदर नातम ननांग। और इसका ऊपर जब ये क्लास 12 में था और 11 में था तो पूरा लड़की लोग मारता था स्कूल का गेट। स्कूल का गेट में इसको देखने के लिए पूरा लटक के, दूसरा स्कूल से भी इसका स्कूल का गेट में लटकता था इसको देखने के लिए। बहुत ही हैंडसम था। झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। तो चलो ना, उससे नानी माँ से मिलने जाएगा। कुछ काम था ये? अरे नानी माँ यार, तुम्हारा भी नानी माँ है तो हम लोग का ड्यूटी बनता है ना। कितना कितना महीना हो गया उससे नहीं मिला हुआ, या फिर कितना दिन हो गया? मेरा तो हो गया अभी 1 महीना जैसे हो गया। 1 महीना हो गया ना, मेरा 4 महीना हो गया। हम लोग इतना खराब बच्चा नहीं है क्या? 4 महीने इतना खराब ग्रैंडसन है ना। ठीक है चलो 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 चलो, अभी अभी हम लोग मिलने जाएंगे ओबांग भैया से, जो कि मेरा दूसरा कज़न है और वो रिश्ते में उसकी दादी माँ है। अब मैं हूँ मेरे दूसरे कज़न भैया के घर, जिसका नाम है ओबांग दाई। जो मेरी नानी माँ है वो उनकी दादी माँ है। शायद प्रेयर चल रहा है अंदर में, कुछ क्रिश्चियन सॉन्ग सुनाई दे रहा है मुझे, क्रिसमस वाइब्स। हाय बच्चा, व्हाट्स योर नेम? नेम नाम क्या आपका? यमुना, यमुना। यहाँ में प्रेयर चल रहा है। ओबांग क्या है? ओबांग, ओ और ये मेरी कजन दीदी। ओबांग भैया काम भी दाए कि ओबांग भैया तो घर पे नहीं थे, बट मैंने उनको कॉल किया था अभी अभी। वो आगे एक चर्च के सामने रुके हुए हैं, वहाँ से मैं उसको सीधा उठाऊंगा और सीधे बालक विलेज ले जाऊंगा, जहाँ पे मेरी नानी माँ रहती है और उनकी दादी माँ रहती है। और ये चर्च तो दिख रहा है, बट मेरे मामा जी नहीं दिख रहे मुझे। ओबांग भैया वो रहा, वो वहाँ पे रहा, वो लाल कपड़ा पहन। ओके, आप ये गलती मत करिए, आप पहले राइट लेफ्ट आप लोगों को देख लेना चाहिए, उसके बाद डोर खोलना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। मैंने अभी भी गलती कर दिया था। हाय हैंडसम, मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, तेरी क्रिसमस, सबकी क्रिसमस। और अंदर अंदर घुस, अंदर घुस। अपनी दादी माँ से मिले हुए कितने महीने हो गए? इट्स लाइक 1 मंथ्स मेबी। 1 मंथ्स ओनली? मेरा तो 4 मंथ्स हुआ है, बट 1 मंथ भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होता है।
एक्चुअली और लेकिन एक्चुअली आप लोग सब इतना अच्छा से है तो हम सरप्राइज हो गए कि मतलब और कुछ हो तो नहीं है क्या वो भी लगू हो गया मुझे ग्रैनी माँ को कुछ हो तो नहीं मतलब इतना सडनली मतलब सब मिल किया गया इतना लगू हो गया डर गया था डर गया था ना कि नानी माँ को कुछ भी नहीं हुआ बस हम ऐसे उनको सरप्राइज विजिट देने जा रहे हैं और एक्चुअली इस वीडियो का मोटिव यही है कि हम अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने जो पेरेंट्स हैं पेरेंट्स तो छोड़ो पेरेंट्स को के साथ ही फिलहाल हम रह रहे हैं अपने दादी माँ अपने चाचा चाची लोगों को नहीं टाइम दे पाते तो हमें एटलीस्ट महीने में दो तीन बार तो मिलना चाहिए उनसे तो मेरे वीडियो के थ्रू मैं ये ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ कि अपने नानी माँ दादी माँ दादाजी नाना जी सबको प्यार करो क्योंकि हम उनके ही जीन्स हैं ओके मेरी नानी माँ को स्प्राइट बहुत पसंद है तो मैं पूछता हूँ दुकान वाले से कि स्प्राइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बिल्कुल स्प्राइट का दो ना कमांग कोल्ड ड्रिंक है कमांग अरे कोल्ड ड्रिंक नहीं आगे लो कहीं नहीं आगे में होगा क्या तो यहाँ पे तो मेरे को स्प्राइट नहीं मिला तो आगे से देखते हैं स्प्राइट का दो ना स्प्राइट स्प्राइट कमांग अरे माई नानी माँ सो अनलकी स्प्राइट नहीं है यहाँ पे भी फ्रिज तो है स्प्राइट है कि नहीं स्प्राइट का तो नहीं है स्प्राइट स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक ओ मैम स्प्राइट पीना मैं पीने वाला सो फाइनली उनके फ्रिज में है ओ अत अभी लामा हो जाएगा आइए आएगा एक बार फ्रीजम कांग के दे एक बार इनको कर दूँ ओके सो फ्रिज में क्या क्या है नहीं नहीं स्प्राइट ही ठीक है तो फाइनली एक स्प्राइट बॉटल मिल गया है थैंक यू मेरी प्यारी सी नानी माँ के लिए जिसको मैं चार महीने से नहीं मिला जो कि बहुत ज़्यादा दिन होता है चार महीने में 120 डेज होता है तो ये बहुत ही बुरी बात है फाइनली अब मैं जा रहा हूँ बालक विलेज और मैं वहाँ पे मिलूंगा अपनी नानी माँ से कैमरा इसका स्टेबिलिटी बहुत तगड़ा है ये मतलब गिम्बल का ज़रूरत ही नहीं है ऐसा गोप्रो में तो जो लोग स्पॉन्सर नहीं किया है गोप्रो वालों ने मैं फ्री में प्रमोशन नहीं करना चाहता था बट फिर भी करूँगा क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट है गोप्रो हीरो 7 बहुत ही अच्छा है आप लोग भी खरीद लो अगर आप लोगों को ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है तो गोप्रो हीरो 8 भी ठीक है ब्लैक लेकिन उसका प्राइस थोड़ा महंगा पड़ेगा आप लोगों को इसका 25K है उसका 36K है तो हम लोग गलत मैन के बारे में बोला था ना किताब भी गलत है बंदूक भी गलत है आदमी गलत है बंदूक भी एयर गन है वो गलत मैन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो नकली यूनिफॉर्म पहना था उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो था ना बोलने वाला नरेटर उसका वजह से मतलब वीडियो जो वायरल गया ना बोलने का ढंग और उसका हंसने का और इसे कहते हैं मुसुक जहाँ पे पूजा वगैरह सेलिब्रेट करते हैं या फिर कुछ कबांग हो गया कबांग मतलब कोर्ट केस वगैरह जो लोकल का कोर्ट केस हो गया उसको यहीं पे सॉल्व करते हैं और यहाँ का ट्रेडिशनल घर कुछ ऐसा दिखता है नहीं क्या बच्चे भाग रहे हैं सो मच इम्प्रूवमेंट वाह ओके तो मेरी नानी माँ बाहर में ही है उतर जाएगा तो ये है मेरे मामा जी का घर जो छोटे वाले मामा हैं उनका घर है यहाँ पे हमारी नानी माँ रहती है और यहाँ पे फायरवुड है विंटर के लिए या फिर खाना वगैरह जो पकाना होता है उनके लिए हम सेव करके रखते हैं और इसी को आग जलाने के लिए यूज़ करते हैं पीछे भी एक दरवाज़ा बनाया जाता है तो यहाँ पे भी एक दरवाज़ा बनाया जाता है क्यों ताकि हम यहाँ से शॉर्टकट लकड़ी पास कर सकें हाय ओके तो ये है मेरे मामा जी नानी माँ मैं लेंजिंग ना तो
Who is he? Who is he? Natamor wokone wo wokone unko obang obang to abhi hum log jo mere phone mein hai wo kami mamun pa to jo balu balu to jo mere pasighat town hai hum wahan se aaye hain apne dadi maa se milne ke liye aur ye village ka naam hai balak village aur ye bahut hi sundar village hai जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी मम्मी का जन्म भी इसी बालक विलेज में ही हुआ था। ओके तो मैं आप लोगों का आधी घर दिखाता हूँ कैसा होता है। एक्चुअली दिस इज मॉडिफाइड वर्जन क्योंकि इसको पेंट किया है, इसमें टीन लगाया है। एक्चुअली जो होता है वो पत्ते का होता है और यहाँ पे आग जलाया जाता है। वेट, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। तो बेसिकली ये हम यहाँ पे खाना पकाते हैं, गैस भी है बट यहाँ पे खाना ज़्यादा टेस्टी पकता है। और यहाँ पे हम विंटर सीजन में भी आग की गर्मी का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे मीट सुखाते हैं, यहाँ पे हम रस्सी तारीख जो रस्सी होता है, बम्बू का जो रस्सी होता है वो सुखाते हैं। बारिश के दिनों में धान भी सुखाते हैं और यहाँ पर बर्तन धोते हैं। एक्चुअली अंधेरा है थोड़ा, आपको मैं दिख रहा हूँ कि नहीं पता नहीं, बट दिस इज आदि होम। ओके ये देखिए हम आपके लिए क्या लाए, आपका फेवरेट स्प्राइट। नहीं स्प्राइट लोग तो रूम मंडवाए। ये भूमतला उसके वो नक्कल लगा पे एक था गालुक मंग स्वेटर घुमा भी दूँ। स्वेटर खरीदा है मैंने अपने नानी माँ के लिए, तो मैं अभी नानी माँ को पहनाऊंगा उसके बाद दिखाऊंगा कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा है। विंटर विंटर है दम मिला ना स्वेटर बोमा भी तुम, बाद में जब समर आएगा ना तो हम क्रॉप टॉप खरीद दे। अभी तो नहाने को डर है कितना। ओके तो ये कह रही है कि इन्होंने एक महीने से नहीं नहाया है। कई महीना विंटर के वजह से, सही महीना सिक्स मंथ्स और मैंने 10 दिन से नहीं नहाया। नाना आजा को थोड़ा बैठ सकेगा क्या, बटन लगा देगा दागला मोलू फोटो को हम तुलिए नाना बटन लगा देगा। चलो वो नाम गल जाने वो भूख नहीं देगा ना। देखो ना हम मजाक कर रहे हैं इसका, हम हमेशा इसको वो करते हैं ना। एक ये विन वाह नाने का हम पूरा नानी माना वीडियो पे ये कुन वीडियो पे ना तो मेरी नानी माँ भी बहुत सुंदर लग रही है। तो नाना टेल मी अबाउट द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। मंगयालुम ना दोइंग का संग दोइंग का ना ब्लोइंग को लुप नाम को के काम आप रे ngo alo lu le alo ngo babu kun kong ye mai ana na ngo ngo ken hi ma ro pe ngo lu minyong galong ada bila ok ka ken chem mi jing ngo teru bom mi ji pen ada abuat tuk la pe papang ina ko ada bitom dem da ada bitom lu la ngo ngom ro lu lo kom mi ya me ko kom lu man la ko kom ka man mane ami mi mem ami mi mem la na child marriage engagement had so we this ko ibu karne ra bhi nahi tha lem la lu man lu han la ko kom ka man pa hua lem ko ami mi mem im lo yam dum la yam arum la yam ila da arap ngom ba bu ra ta ala na na ko
मामा में कमिंग क्या चल रहा है उतन हाँ एक चैलेंज बनाओ चैलेंज कैसा चैलेंज जैसे कि नोएडा से मेचो का जाएगा तो हाँ मेचो का तक कितने कितने दिन का ट्रैवलिंग होगा तेरा अभी मेचो का मेरा 5 दिन तो लग जाएगा आना जाना मिला के 5 दिन का नहीं है ना हाँ तो 5 डेज नहीं जाने का नहीं जाने का नहीं 5 डेज 5 डेज तो 5 डेज तो वैसे भी ना हम पासघाट से नहा के निकलेगा उसका मेचो का नहाना इम्पॉसिबल है कोई भी व्लॉगर आज तक मेचो का जाके नहीं नहाया मतलब वहाँ के लोकल लोग नहाता है गर्म पानी करके लेकिन कोई भी व्लॉगर गर्म पानी करके भी नहाने का हिम्मत नहीं हुआ है किसी का अंदर मेरे साथ चलो कल मेचो का और दिस इज लोकल चाय पत्ती इसको खुद से हाँ खुद से बनाया है मेरी जो वो है यायो है मामा की पत्नी उन्होंने बनाया है लोकल अपने ही बागान का चाय पत्ती और हाथ से बनाया कुछ इसमें केमिकल का प्रोसेसिंग वगैरह नहीं है और चाय एक्चुअली मैं बनाने वाला था लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो ऑन किया तो ये लोग ऐसे मतलब कैमरे के सामने और बर्तन के सामने ऐसे आ गए जैसे केटली के सामने ऐसे आ गए जैसे कि वो लोग बना रहे हैं बीट कर दे इसको मैन विल बी मैन और फिलहाल हम खाएंगे ये मौसम्बी हैंडसम वाला लाइन को काट दो ये नमक है ना ये पिसा हुआ मिर्चा और ये मौसम्बी काट के छोटा छोटा पीस कर दो उसमें नमक डाल के मिर्चा डालो फिर हम लोग खाएगा नोकम दोयन आप भी खाएगा दोमैन कब ले लो दोमैन क्यों दलिमांग ई कद ई ओके दांत तो है वैसे नीचे का दांत है नीचे का नहीं सिर्फ ऊपर का दांत है ये तामुल खाने के वजह से ऐसा होता है इसलिए आप लोग तामुल मत खाइए और ब्रश अच्छे से करिए ओ हाँ ये है नाना जी का ये है तामुल सुपारी हिंदी में ये तामुल को ऐसा पतला पतला चपटा करके नाना खाते हैं क्योंकि उनका दांत बहुत ही कमजोर है नीचे का दांत तो है ही नहीं इसलिए उनको ऐसा खाना पड़ता है ये भी रेडी है मौसम्बी भी रेडी है इसमें हमने मिर्च पिसा हुआ मिर्च छिड़क दिया है अभी हम छिड़केंगे नमक और इसको हाथ से मिक्स करेंगे अब ये मिक्स हो गया अभी मैं इसको खाऊंगा जाएगा तब तो नाना तो पक अभी आपके साथ बैठ के अच्छा लगा मैंने नानी माँ के साथ एक घंटा स्पेंड किया मैं फिर कल परसों आऊँगा ऐसे नहीं अभी मैं मुझे कुछ काम है और इन कज़न लोगों को भी कुछ काम है तो हमें थोड़ा जाना पड़ेगा अभी टाउन वापस और मौका ऑडियंस के धर्म आती लुएन मेरे ऑडियंस लोगों को कुछ बोलना चाहोगे आप वो ऑडियंस किधर है ना कैमरा लोग आदमी है ना तो उन कुछ बोलेगा आप मैसेज आते मैसेज दिए माँ बीमा है टाटा लो भी चला टाटा कर दो टाटा अलग लोग ना बाय टाटा ओके थैंक यू सो मच आई होप कि मेरी नानी माँ से मिलकर आप सभी को भी अच्छा लगा होगा और मैं आऊँगा कल परसों आऊँगा ठीक है अच्छे से बैठो ना बाय बाय टाटा वो आए बाय बाय ठीक है छोड़ के तो जाने का मन नहीं कर रहा है बट जाना तो पड़ेगा क्योंकि मुझे मेचुका निकलना है कल और मैं मेरा मेचुका का सीरीज शुरू होगा और ये बहुत ही सुंदर विलेज है इस विलेज का नाम है बालक हाँ ऊपर ऊपर वैसे हिंदी में बालक लड़के को कहते हैं बट स्टिल इस विलेज का नाम भी है बालक ओके अब हम जा रहे हैं रोइंग विलेज की ओर यह बालक से बस एक किलोमीटर भी नहीं 500 मीटर का रास्ता होगा और मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्टली एक वीडियो भी दिखा दूंगा टाटा टाटा बाय बाय टाटा सो ये है रोइंग विलेज बालक विलेज को पार करने के बाद आता है मैंने थोड़ी देर पहले बालक विलेज दिखाया था और ये रोइंग विलेज बहुत ही सुंदर है जैसा कि आप पीछे भी देख सकते हो बहुत ही अच्छा है नज़ारा उन प्यारे प्यारे कुत्तों को देखो वो भी भाग भाग के पीछे पीछे आ रहे हैं
ओके सो दिस वन इज मूसोप, पहले भी मैंने दिखाया था। बच्चे लोग टाटा टाटा। तो आप लोग को नानी से मिलके कैसा लगा, नानी माँ से मिलके कैसा लगा, इतने अचानक से सरप्राइज विजिट देके कैसा लगा? कैसा लगे? अच्छा लगेगा। अच्छा लगा ना। ओके आई थिंक जो पहले मैंने बोला था कि हम अपने लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि जो हमारा नानी माँ है, दादी माँ है, जितने भी एल्डरली पीपल हैं उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। सही है। तो उस चीज़ को हमें थोड़ा मेंटेन करना चाहिए। मानता है कि अपना काम करो, अपना लाइफ में सक्सेस हो, लेकिन अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको भी टाइम देना ज़रूरी है। ज़रूरी है। और थोड़े दिनों में, कुछ हफ्तों के बाद, न्यू ईयर के बाद जब 2020 आएगा, मैं अपने पूरे परिवार से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, मेरा घर दिखाऊंगा, मेरे पापा मम्मी से मिलवाऊंगा। तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोल दो प्लीज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बहुत प्यार से बोला है, प्लीज़ कर दो। आप भी बोल दो मामा जी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इन दोनों डिस्क्रिप्शन में मैं इन दोनों का फ़ोन नंबर डाल दूंगा। ओके इसको इंटरेस्टेड हो वाले कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं।